और गाइस फाइनली वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक क्लाइंट फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। इस वाली क्लाइंट में एपीएस बहुत ही ज्यादा अच्छे आते हैं, तो शुरू करते हैं। ओके, तो लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिए, अभी मत जाना, पहले वीडियो देख लो उसके बाद जाना, नहीं तो आप इस क्लाइंट को सही से यूज नहीं कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद इसे इंपोर्ट करना है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। इंपोर्ट करने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे, देन जाना है ग्लोबल रिसोर्स पैक में एंड वहाँ पे इसे लगा देना है। लगाने के बाद आप जैसे ही वापस आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी सी लॉबी देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं किसी बर्ड में, दिखाते हैं इसके एपीएस कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कनेक्टेड ग्रास देखने को मिल जाता है और इसमें बहुत सारे बटन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे F1 का बटन देखने को मिल जाता है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखने वाला है। एंड इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे बटन हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। एंड इसका एक मोड मेन्यू भी मिलता है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे TNT लगा रखे हैं, अब मैंने फोड़ने वाला हूँ। और राइट, तो माइनक्राफ्ट लेग बिल्कुल ही नहीं हुआ। वैसे मैं पीसी पे खेल रहा हूँ लेकिन मेरे पीसी में कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है। एफपीएस तो काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं और इस हिसाब से ये वाली क्लाइंट बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इसमें आपको ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आप इस वाली क्लाइंट के साथ जा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।